हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. आपल्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. आपल्या हक्काचं घर मिळालंच पाहिजे. आपल्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. झोपडपट्टी चळवळीचा विजय असो. झोपडपट्टी चळवळीचा विजय असो. आमच्या हक्काचं घर मिळालं. मुंबई स्थित कुर्ला एयरपोर्ट के पास झोपड़पट्टी की जनता परेशानियों में जीने के लिए कई सालों से है मजबूर. घर शिफ्टिंग की रात देखते देखते जनता परेशान है, सरकार से लगा रही गुहार. जब समाचार दर्पण ने झोपड़पट्टी चरवल के निर्माता अनिल भापकर और संदेश नगर क्रांति नगर की जनता से बात की तो उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा. कहीं घर में पानी भरने की समस्या तो कहीं घर ना होने की वजह से बच्चों की शादी रुकी हुई की समस्या भी सामने आई. ऐसे कई समस्याएं उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताई. अनिल भापकर जनता के हक के लिए उनके साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं. श्याम नाना साहब भापकर, मैं कुर्ला विभाग में रहता हूँ. मुंबई एयरपोर्ट विमानतल प्राधिकरण की जगह पर. सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने जो झोपड़पट्टी चरवड़ आपने जो संस्था बनाई, ये संस्था किस सोच के साथ बनाई है और किन की भलाई के लिए संस्था का निर्माण आपने किया था? देखिए, ये चरवल लोगों को साथ में लेकर खड़ी की है हम लोग ने, और इसका निर्माण हम लोग ने 2014 में किया था. उसी क्षेत्र में, उसी झोपड़पट्टी में मेरा बचपन गया हुआ है. मैं आज 37 साल का हूँ. मेरे साथ के बच्चे, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनके शादियाँ अभी तक हुई नहीं है, भी बच्चों की शादियाँ नहीं हुई, घर उजड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने उस तरह से वो झोपड़ियाँ बनाई नहीं है. आज कल टूटेगा, परसों टूटेगा, इस तरह के हर साल 15 साल 20 साल से हमें आश्वासन मिल रहा था. और ये सब मैंने देखा कि ये अगर झोपड़पट्टी शिफ्ट नहीं होगी तो ये तो हमें घर बनाने नहीं दे रहे, बनाने नहीं दे रहे तो शिफ्ट भी नहीं कर रहे. इसकी वजह से यहाँ की पीढ़ी बर्बाद हो रही है और ये जल्द से जल्द हमें शिफ्ट करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना. ये समस्या कितने घरों की है, कितनी ऐसी फैमिली है जो इस समस्या से जूझ रही है? देखो, मुंबई एयरपोर्ट विमानतल के जो प्राधिकरण की जगह है वहाँ पर लगभग 80,000 झोपड़ा है, लेकिन हमने एक पॉकेट पकड़ा है संदेश नगर और क्रांति नगर, जो कुल मिला के 4,000 झोपड़े हैं. और ये 4,000 झोपड़ों में इनका पहले शिफ्टिंग हो, ताकि MMRDA ने इन दोनों का सर्वे पहले किया है. पूरे 80,000 झोपड़ों में से सिर्फ ये 4,000 झोपड़ों का सर्वे किया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पॉकेट वाइज ये हम लोग शिफ्टिंग करें, ये हमने डिसाइड किया. तो फिलहाल हमारा इंटेंशन यही है कि पहले संदेश नगर क्रांति नगर शिफ्टिंग करो आप, और फिर हम आगे जाएंगे. सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी इसी बातों को लेकर, इसी चर्चा को लेकर, तो क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला था, क्या उसी का रिजल्ट है कि जो आज 93 लोगों को घर उनके उन्हें मिला है? देखिए, हमने जब आज़ाद मैदान में अनशन किया था, उपोषण किया था, तो सीएम साहब ने वर्षा बंगला पर शाम को, रात को 10:30 बजे हमें जो मीटिंग दी थी, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री साहब ने हमें क्लियरली आश्वासन दिया था कि आपको, उन्होंने एक्चुअली, इनका पहले प्लान इस तरह का था कि 80,000 झोपड़ों का सर्वे करेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग का हम लोग डिसीजन लेंगे. तो हम लोग ने उसी दिन 20 तारीख को 2016 में हम लोग ने सीएम को यही बताया कि पॉकेट वाइज अगर आप सर्वे करते हो और पॉकेट वाइज अगर आप शिफ्टिंग करेंगे तो ये 80,000 झोपड़े जो है पूरे मुंबई एयरपोर्ट की, उनकी आप शिफ्टिंग कर पाओगे. आप सबकी सर्वे करने के बाद शिफ्टिंग करेंगे तो इम्पॉसिबल है. और ये हम उनको बता पाए, और उस तरह से हमने उनको प्लान बताया, और उन्होंने बताया कि ठीक है. उस तरह से उस टाइम MMRDA के आयुक्त मदन साहब थे, और मदन साहब ने भी हमें बताया था कि ठीक है, हम उस तरह से करेंगे. और उस तरह से उन्होंने सर्वे को अंजाम दिया, अंतिम यादी लगाई, अंतिम लिस्ट लगाई, और उसके बाद ये हम लोग आज 93 झोपड़ा हम लोग देख रहे हैं. तो लोगों के लिए जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी संस्था के साथ, 93 लोगों को मिल चुका है, तो क्या लगता है इसका क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है, या फिर ये जो आपने कार्य किया है इसके ये क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए? देखिए, क्रेडिट के लिए हमने कभी काम किया नहीं है. मैंने आज यही अब मैं लोगों को बताता हूँ कि ये क्रेडिट कोई भी ले, यहाँ का सांसद ले, यहाँ का MLA ले, यहाँ का नगर सेवक ले, ये जो कार्य किया है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्य एक संगठन का है. ये झोपड़पट्टी के लोगों ने इस चळवळ को खड़ा किया हुआ है, तो ये झोपड़पट्टी चळवळ का ये कार्य है, झोपड़पट्टी वालों का क्रेडिट है. इन्होंने रास्ता रोको किया है, इन्होंने अनशन किया हुआ है, इन्होंने धरना आंदोलन किया, इन्होंने मोर्चे, इन्होंने जेल भरो आंदोलन किए हुए हैं.
एक किसी का क्रेडिट यहाँ पर हो नहीं सकता है। इतने सारे लोगों की उम्मीदें चलवर से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है, तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से निभाएंगे? सरकार से और प्रशासन से कितनी मदद मिल पा रही है आपको? देखिए, मेरा आज इस आपके माध्यम से भी मुझे यही कहना है, सरकार से भी यही कहना है और लोगों से भी मुझे ये कहना है कि हम जिस मुकाम तक अब आज आ चुके हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये एक फर्स्ट स्टेप है। 93 लोग को घर मिले हुए हैं। मुझे कल ही एक लेटर मिला हुआ है SRA से और उन्होंने सिर्फ 93 लोगों को ही घर अलाट किए हुए, और मैं चाहता हूँ कि ये कहीं रुके ना, और ये ना रुके इस कारण कि और कोई यहाँ पर बाधा ना डाले, इसके लिए ये चळवळ निरंतर काम करेगी। सरकार को करना पड़ेगा, हम करवा के लेंगे, क्योंकि हम आम जनता है और आम जनता क्या कर सकती है ये झोपड़पट्टी चळवळ ने संगठित करके बताया है। आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की किसी से कोई कभी किसी ने रोकने की कोशिश की, कोई डर या कुछ ऐसा है आपके मन में? देखो, डर तो ये इंसान तो है, थोड़ा डर होता है, लेकिन आपको सच बताओ तो ये हमारी संगठन इतनी एक गरीब से गरीब यहाँ पर इतना जुड़ा हुआ है और हमारे घर के लिए हम यहाँ पर झगड़ रहे हैं, तो डर शायद कभी सामने आया ही नहीं। तो क्या लग रहा है आपकी जो उम्मीदें हैं, और आपने कॉर्पोरेशन जो एक नगर सेवा का चुनाव हुआ था उसमें आपने भाजपा को सपोर्ट किया था, तो उनको सपोर्ट करने की वजह क्या है? देखिए, उस वक्त आमरण उपोषण किया था और उस उपोषण में 5वें दिन मुख्यमंत्री साहब हमें मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि जल्द से जल्द आपको घर दिए जाएंगे। उसी वक्त इलेक्शन में कोई और पार्टी का या और हमारे विरोध विचारधारा का कोई नगर सेवक ना आए ताकि ये काम हमारा रुके, इस कारण क्यों ना हम भाजपा के ही किसी उम्मीदवार को सब जिता के लाए और इस काम को और तेजी लाए, इस उद्देश्य से हम उस वक्त भाजपा को समर्थन किया था। तो आपने समर्थन किया, तो क्या उसका जो आपने जिस सोच के साथ किया वो सोच पूरी होती नजर आ रही है आपको? मुझे आज वो सोच भी पूरी होती आ रही है, और मैंने उस वक्त समर्थन जो किया था तो ऐसे नहीं कि उसके बाद हमने भाजपा के विरुद्ध कुछ किया नहीं, हमने भाजपा के विरुद्ध, यहाँ के सांसद के विरुद्ध, CM के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध यहाँ पर हमने आंदोलन किए, रास्ता रोको किया, उसके बाद भी CM को मिलने के बाद, समर्थन करने के बाद भी हमने उनके अगेंस्ट आंदोलन किए, क्योंकि हम समर्थन भी कर सकते और विरोध भी कर सकते, हमारा उद्देश्य है हमारे घर, हमें घर मिलने चाहिए। आपने लोगों से बात की है, CM से भी आप मिले हैं, तो आपको कोई वजह बताई गई, क्या वजह है जो 2005 से लेकर 2019 तक लोगों को इस तरह से तकलीफ में जीना पड़ रहा है, क्या वजह जो उनकी शिफ्टिंग नहीं हो पा रही, कोई तो वजह बताई होगी आपको? देखो, वजह लास्ट टाइम सांसद पूनम महाजन जी और मैं यहाँ के नगर सेवक या बाजू के नगर से हरीश बांदी करके थे, और मुख्यमंत्री साहब थे और पराग आडवाणी थे, और मैं झोपड़पट्टी चळवळ का अध्यक्ष करके था, वहाँ हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक बताया जा रहा था कि यहाँ पर जीविका का मसला आ रहा है, एक प्राइवेट कंपनी चला रही है एयरपोर्ट को, मुंबई एयरपोर्ट को, और उनको घर देना है, और सरकार एक मीडिएटर करके काम कर रही है, सरकार को इम्प्लीटेशन करना है, घर को दिलवाना है, लेकिन घर देने वाले जीविके है, और सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर आ रहा है कि जीविके हमें अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही, यही हमें सामने तकलीफ दिख रही है। सब लोग अपने इस जिंदगी में अपने घर को चलाने के लिए काफी व्यस्त होते हैं, आप अपने इस व्यस्तता में लोगों के लिए ये लड़ाई क्यों लड़े, इससे आपका क्या फायदा होगा? देखिए, कोई बेनिफिट्स रखकर मैंने काम नहीं पूरे किए हैं, मैं साल के उम्र के 18 साल से मैं इस सोशल फील्ड, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। फील्ड मीन्स, मुझे बाद में पता चला कि ये सोशल फील्ड होती है, लेकिन मैं उस वक्त से स्वच्छता अभियान हो, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहाँ से मैं चला हूँ, तो मैं हर वक्त कुछ लोगों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से काम करते रहता हूँ, और इसमें मुझे आनंद आता है। 4000 लोगों के लिए आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा कि उनकी जो उनका जो हक है वो नहीं मिल सके? देखिए, मेरा अभी मैं देखो बाजू में भी जरी मरी करके झोपड़पट्टी है, मैं वहाँ पर भी जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों ने भी हमें बुलाया, वाकुला के भी लोगों ने बुलाया, हमारा उद्देश्य अभी सिर्फ है संदेश नगर और क्रांति नगर,
वहाँ के 93 लोगों को घर घर की अलॉटमेंट लेटर दे चुके हैं। सदने का वाटर जिसे कहते वो दिया हुआ है, उस 93 लोगों घरों की रिपेयरिंग चालू है, लेकिन बाकी के लोगों को कैसे रूम मिले उसके लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे और हमारा इसके आगे भी धरना आंदोलन हो, मूर्छा हो, हम करते रहेंगे। ये 4,000 लोग आपके साथ है, आपके समर्थन में आपके जो 3,500 मेंबरशिप हमारे इस झोपड़पट्टी के अंदर हम लोगों ने मेंबरशिप करके लिए हुए और लिखित रूप से हम लोग मेंबर हैं सर। थैंक यू। क्या आप यहाँ पर रह रही हैं और क्या समस्या है आपको? मैं 87 पासून ते लग्न होने तो इकड़े थे 2007 पासून आमचे सर्वे वगैरह झाले, आता नंतर मुख्यमंत्री आले त्यांनी पण भाषण दिलं, 10,000-15,000 लोक येऊन त्यांच्या त्या लोकांसमोर सर्वांना आश्वासन दिलं, पण आश्वासन देऊन त्यांनी फक्त 93 लोकांनाच अलॉटमेंट लेटर दिलं। आणि आता आम्ही तर पाणी आमचे घर मोडकळीस आलेले, आता सध्या मी भाड्याने राहते, तोरून माझा आता सध्या रिकामाच आहे, आणि मिठी नदीच्या बाजूला आहे आम्ही, तर पाण्याची पातळी जी असते ती आमच्या साईडने येते। तुम्हाला लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांना एवढीच विनंती आहे की आम्हाला लवकरात लवकर रूम सिद्धी। चरवट संस्था जो है वो इस आपकी जो हक है उसके लिए लड़ रही है, क्या लग रहा है, कितना भरोसा है कि आपकी जो 2007 से 2019 का एक वक्त हो गया है, तो क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है, क्या मन में विश्वास है कि आपको शिफ्टिंग मिल पाएगी? असं वाटतं की आता आज होणार उद्या होणार, त्यामुळे आम्ही रूम वगैरे काही रिपेअर केले नाही, आता पूर्ण मोडकळीस आलेले रूम आहे, तर सध्या भाड्याच्या रूपात राहतो, तर मग लवकरात लवकर मिळव हीच आमची अपेक्षा आहे, आज उद्या परवा म्हणजे एवढ्या। आणि मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं की मान्सूनच्या पहिलं तुम्हाला शिफ्टिंग करणार, पण मग आता सध्या अजून तर काहीच नाही, फक्त आश्वासन देऊन 93 लोकांना हे अलॉटमेंट लेटर दिलंय। किस तरह की प्रॉब्लम से, किस तरह की समस्याओं को आप झेल रही हैं बेटा? हम लोग का बच्चा अभी 30 साल का हुआ है, अभी उन लोग का शादी नहीं हो रहा है ये झोपड़पट्टी के वजह से, घर भी हमारा छोटा है और बनाने के लिए ये भी जगह नहीं है, किधर बनाने का, और तोड़ने का है, आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे ऐसा ही बोल रहे वो लोग, अभी कभी देंगे क्या? सर क्या समस्या है आपके और किस तरह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आपके बच्चों को किस तरह से समस्या से झेल रहे हैं? मैडम बच्चों की तो बात मत पूछो, एक तो हमारी पहले बात पूछो कि हमको अभी 32 ईयर्स हो गया ये एरिया में, ये एरिया में हमसे 2005, 2007 और 2011 में जितना पानी भरा था कि हमारे पत्रे के ऊपर से पानी गया था, वो टाइम से हम लोग को सर्वे का आश्वासन मिल रहा है, आज तुम लोग का घर तोड़ेंगे कल तुम लोग का घर तोड़ेंगे, आज कोई अधिकारी आ जाता है कल कोई अधिकारी आ जाता है, वो जब अधिकारी आ जाता है उन लोग के पीछे हम लोग को भगा लेते हैं। हम लोग को इन लोगों ने इतना तकलीफ दिया है, ना जीने दे रहे ना मरने दे रहे हम लोग को। अभी एक इलेक्शन के पहले, अभी विधानसभा का इलेक्शन हो गया था उसमें अभी लोकसभा का, उसमें अभी हम लोग के मुख्यमंत्री इधर हम लोग के इधर आ गए, बड़े थाट से आ गए, इतना माहौल खड़ा किया, उसमें खासदार अपनी पूनम ताई भी आ गई और इन लोगों ने इतना बड़ा आश्वासन दे के रखा कि तुम लोग को हम घर दे ही देंगे, हम लोग तो खुश घर मिल रहा है हम लोग को, अभी हम क्या करेंगे, घर मिल रहा है बोलेगा तो हम झूम उठे बाबा ने, अभी ये इतना मुख्यमंत्री आके इधर, वो तो बात क्या, हम लोग झोपड़ चल रही थी उधर गए थे भापकर साहब उन लोग के साथ, तो उन्होंने सिर्फ बंद कमरे में उन लोग से बात किया था, मगर इन्होंने तो हम लोग को रोड पे खड़ा होकर हम लोग को आश्वासन दिया है, रोड के बीच में कम से कम 10-25 हज़ार आदमी लोग के बीच में आके उन लोग ने बोल दिया कि तुम लोग को हम घर देंगे, और इतना ही नहीं पूनम ताई महाजन को बाद में जाके मिले हम 3 बार, तभी उन्होंने हमको बोला तुम अपने पत्र के ऊपर कागज भी मत डालो, हम तुमको इतना जल्दी घर देने वाले हैं, अभी कागज तो रह गया बाद में, तो हम लोग के ये हाल इन लोग ने ऐसा किया, ना जियो ना मरो। तो क्या लगता है चुनाव को देखते हुए जीत के लिए सब आश्वासन दिया गया? सवाल ही नहीं आता, यही किया उन्होंने, जीत के लिए किया, नहीं तो ऐसा कोई आश्वासन देता ही नहीं। उनके जीत के बाद आपने मिलने की कोशिश नहीं की? बहुत बार मिले, अभी जीतने के बाद तो उन लोग का माहौल अलग हो जाता है, जीतने के बाद इन लोग का खुशियां मनाने का टाइम रहता है, दिल्ली जाओ इधर जाओ, पावसाली अधिवेशन हिवाली अधिवेशन सब अधिवेशन में बिजी, हम लोग तो मर रहे इन लोग के पीछे और मरते ही रह रहे, और अभी आश्वासन का अभी दिया क्या इन्होंने, 100 आदमी को घर, वो 100 आदमी को घर दिया और हम लोग मर रहे कितने, 4,000 आदमी
अभी घर भी नहीं दिया, उन लोगों ने सिर्फ लेटर दिया है पास, बाबा तुम लोग को लिया, शांति करो तुम लोग अभी इस पे। तो ये घर छोड़ने का, इस तकलीफ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास? मैडम क्या रास्ता रहेगा, जबकि ये हर साल इधर आके हम लोग को मिलते है कि तुम लोग को सर्वे हो रहे, अभी तुम्हारा घर शिफ्टिंग हो जाएगा। ना तुम लोग को घर बनाने दे रहे और ना हम लोग को जीने दे रहे, इन लोग ही दे रहे ना हम लोग को जीने के लिए। अगर इन लोग राजी खुशी से बोल जाए तुम लोग का 10 साल हम लोग घर नहीं दे रहे, तुम लोग बनाओ, हम लोग बना ही लेंगे, मगर इन लोग ये भी नहीं बोल रहे तो हम लोग जियेंगे कैसे? इन लोग को गाली नहीं देंगे हम लोग का बच्चे लोग का, इन लोग को श्राप लगेगा। ये हम लोग के झूठे आश्वासन दे के हम लोग से जितवा ले रहे, क्या मतलब है इन लोग का? ये झोपट पट्टी में रहता है वो पहला बोलता हूँ, 69 से रहता हूँ। यहाँ राम मनोहर त्रिपाठी थे पहले आमदार, उसने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद अपना नसीम खान आ गए, वो 15 साल यहाँ आए, तो उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी जो सरकार है 5 साल चला रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज गोर गरीब का चाहता कोई रह गया नहीं है। यहाँ ऐसा है माहौल कि लोग जहाँ भाग जाएंगे उन्होंने आशा दिखाया वहाँ भागते। तो हमको एक ही सवाल है कि यहाँ झोपड़पट्टी में जो रहने वाला रहवासी है वो हरेक को यहाँ ठिकाने यहाँ जगह पे जो कुछ अभी ये लोग कमा नहीं पाते क्या, तो इन लोग के हिसाब से ही तुम रूम दे दो, अदा करो क्या? अभी नसीम खान बोलते थे हम लोग जाते थे मोर्चा लेके, आज 15 साल में उसने बोला दिवाली उधर, उसके बाद बोला 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद 4 महीना तो खत्म ही नहीं हुआ। बाद में वो हार गए, बीजेपी आया तो भी यही नाटक उनका। बीजेपी भी बोलते हैं तुमको हम कल शिफ्टिंग करेंगे, दिवाली को शिफ्टिंग करेंगे, तो वो योग्य नहीं लगता है। आज गोर गरीब जात औरत लोग वहाँ घर काम करती है या भाजी बेचती है या आदमी लोग कुछ धंधा करके पेट भरता है, वो तो पैसा नहीं भर पाएगा, तो वो पैसा नहीं भर पाएगा तो कैसे चलेगा? तो तुम सरकार ने जिसके ऊपर तुम चुन के आते, जो लोगों को आस दिखाते, वो आस दिखा के तुमने उन लोग को कुछ ना कुछ साथ देना चाहिए। हर इलेक्शन में तुम बोलेगा कल तुम्हारा शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग है, अभी ये बोले मुख्यमंत्री यहाँ मीटिंग लगाया, बराबर है तुमने मीटिंग लगाया, वहाँ सिर्फ 11 लोगों को लेटर दिया, चाबी दी। कई कई सालों से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस तरह से वोटों के लिए लोग आपको आश्वासन देकर जाते हैं कि आपको घर मिल जाएगा और फिर वोट होने के बाद जीत के बाद वो खत्म हो जाता है, तो अब आप क्या लास्ट स्टेप लेंगे? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अब आपकी क्या सोच है, किस तरह से अपनी बातों को उन्हें समझाने की कोशिश होगी? अभी जितना हम समझाने का काम करते अभी हम चलवल में भी है, तो उन लोग को इतना ही हमारा ये है कि मुख्यमंत्री हो या पूनम ताई हो, तुम ये गोर गरीब का सोच लो। अभी आपको चुनके देते इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी फंस जाएगा, तो अभी भी गरीब आदमी चाना बनाए तो उसके लिए तुम कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन लोग की हालत देखो, आके वहाँ झोपड़ा गिर रहे, अभी झोपड़ा गिर रहे, गटर का पानी जाने का रास्ता नहीं, तो पीने को पानी नहीं, लोगों को बहुत समस्या है झोपड़पट्टी में, तो उसको कुछ ना कुछ तुम लोग सलाह देके उधर काम कर लो क्या, यही मेरी प्रार्थना है। आने वाले विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा? जी हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर आपके पास नेता होंगे, आपके पास आएंगे, तो क्या होगा आपका? मैं तो एक ही चलवल के मुताबिक बोलता है, ये जो नेता आएगा उसके ऊपर मैं तो सही में बोल रहा हूँ कि हम लोग चलवर के वजह से उसको बहिष्कार भी डालेंगे, नहीं तो तुम जब होने का काम है तुम्हारा वो रोकने का नहीं, पहला रूम दो लोगों से, बाकी जो हक है हम मिला के देंगे। चुनाव के पहले ही अगर हमको घर नहीं मिलेगा तो सरकार को मालूम पड़ेगा कि पूरा यही कर देगी हम लोग क्या, हम लोग भी तकलीफ झेल रहे पूरा पूरा, कितना 88 से मैं रह रहा हूँ, 88 से रह रहा हूँ, अभी बच्चे लोग का भी हम लोग तकलीफ झेला, लेकिन बच्चे लोग भी पूरा तकलीफ में है, बोलेगा तो उनका भी ऐसा ही मरेगा क्या बच्चे लोग?